छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी चाचा व भतीजा को जीएनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। चाचा सहायक अध्यापक व निजी शिक्षक को दुष्कर्म के आरोप में जीएनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी माता की तहरीर पर जीएनपुर पुलिस ने चाचा भतीजा पर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कर किया गिरफ्तार। निजी विद्यालय में शिक्षक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। जीएनपुर पुलिस ने चाचा सहायक अध्यापक व भतीजा शिक्षक को जीएनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी माता ने सोमवार को जीएनपुर कोतवाली पर तहरीर देकर सुबह 5 बजे अपनी पुत्री जो जीएनपुर में स्थित निजी विद्यालय की छात्रा रही अपने गांव के निवासी शिक्षक से मोबाइल पर बातचीत करती थी पर बहला फुसला कर भगाने का आरोप निजी विद्यालय में शिक्षक राफे पुत्र राफत निवासी चांद पार पर लगाया है। वहीं पूछताछ करने पर घर पर जाने पर चाचा सहायक अध्यापक उमेर पुत्र अबू साद के ऊपर गाली गलौज व मारपीट का आरोप लगाया जिस पर जीएनपुर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं पीड़िता के बयान पर विवेचक जीएनपुर एसआई रमेश यादव ने धारा 376D 342 वृद्धि पर आरोपित की तलाश में जुट गए। मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को दिन में 12:15 पर पुलिस बल के साथ दुष्कर्म के आरोपी चाचा व भतीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़।